हेलो एवरीवन, मेरे ग्रीन लाइवेशन में आपका मोस्ट वेलकम। और जो ये आज की वीडियो है, ये मैंने जो समर के प्लांट कुछ शॉपिंग की है, ये उन्हीं के ऊपर है। और इनके रेट भी बताऊंगी और इनके नाम भी बताऊंगी और कैसी सोयल में लगाना ये सब बताऊंगी, कुछ केयर टिप्स भी बताऊंगी। और आइए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। और ये मेरे समर की अप्रैल की लास्ट शॉपिंग है। और ये देखिए, मैंने कुछ तो मैंने शॉपिंग ये घर में बैठे बैठे की है। और दो तीन आते हैं हमारे यहाँ फूल वाले भैया, और कुछ मैंने हमारे यहाँ ऋषिकेश में गंगा जी त्रिवेणी घाट के पास बिल्कुल नज़दीक ही पड़ती है, उसके छोटी सी नर्सरी है, कुछ वहाँ से लिए है। और मैं आपको नाम भी और रेट भी सभी बताने वाली हूँ इस वीडियो में, और थोड़े बहुत केयर टिप्स भी देने वाली हूँ। और ये देखिए, ये बिनका का है, सदाबहार का। तो मेरे पास ये पिंक कलर नहीं था हाइब्रिड में, तो मैंने एक ये लिया और एक ये वाइट कलर का लिया है। तो इनको तो धूप में रखना है, सुबह की 12 बजे तक कम से कम धूप में रखना है। और ज़्यादा सारे दिन, जैसे मई जून की अब धूप आएगी तो उसमें तो नहीं रखना पूरे दिन की, और 12 बजे तक हम रख सकते हैं इनको, क्योंकि ये हाइब्रिड है, ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं ज़्यादा तेज़ धूप में भी और ज़्यादा बारिश में भी। और ये देखिए, मैं इसकी जो टिप्स है ऊपर की, इसको भूसी बनाने के लिए इसको इतना निकाल दूँगी यहाँ से। तो अभी तो मैंने ये फूल दिखाने के लिए आपको रोके हुए, और ये मैं यहाँ से इसका यहाँ से ये निकाल दूँगी ये पूरा। तो ये यहाँ से ये सभी बूसी हो जाएगा, और यहाँ से भी इसमें ब्रांचेज नई नई आ जाएंगी। इनको दोनों को इसी तरह, इनका भी यहाँ से टॉप निकाल दूँगी, तो ये काफ़ी सारी ब्रांचेज आ जाएंगी इसमें। और ये एक ये लिया और एक ये लिया, दो लिए मैंने। तो ये मुझे ये मैंने यहीं से लिए, तो ये मुझे पड़े यहाँ पर 25-25 रुपये के, और ये 50 के दो पड़े। और एक ये देखो, ये भी मैंने यहीं से लिया था, ये हिम प्लांट है, कुछ हिमरोज बोलते हैं इसको। तो मैं तो इसको सो प्लांट ही समझ रही थी इंडोर का, लेकिन है वैसे इंडोर प्लांट। और इस पे देखिए, ये हज़ारों पत्तियाँ छोटी छोटी बारी और बहुत बड़ी खूबसूरत सी थी। तो मैंने इनकी ये छोटी पत्तियाँ जब देखी हुई तो ये मुझे अच्छी लगी, तो मैंने इसको लिया। तो इस पे फूल भी आता है वाइट कलर का, तो ये मुझे 100 रुपये का पड़ा। और मैंने इसको रिपोर्ट भी कर दिया है, जो मेरे पास गमले रखे हुए थे तो मैंने इसको भी रिपोर्ट कर दिया है और इसको भी रिपोर्ट कर दिया है। और मैं आपको सोयल बताऊंगी कि मैंने कैसी सोयल में किया है। तो ये मुझे 100 रुपये का पड़ा। और एक ये प्लांट है, ये भी कुछ फ्लावर प्लांट है, और ये मुझे तो मैंने, अगर मैंने इसमें सर्च किया तो ये मुझे तो पेपर प्लांट बताया है उसमें, तो सर्च में तो ये पेपर प्लांट काली मिर्च वाला बताया है, बाकी देखते हैं ये कौन सा है। लेकिन इस पर तो मुझे फ्लावर बताया है कि ये इस पर फ्लावर आता है, कि पर्पल कलर का इस पर फ्लावर आता है। और ये मुझे 100 रुपये का दिया, ये मैंने यहीं से लिया। ये भी दो तीन भैया आते हैं, मैंने बताया था आपसे, दो तीन भैया आते हैं यहाँ पे फूल वाले, मैं उन्हीं से लेती हूँ। और अगर मैं नहीं जा पाती, तो आजकल जैसे गर्मी है तो मैं आजकल नहीं जा पा रही थी, तो यहाँ दो तीन आते हैं, उन्हें पता है ये लेती, तो मैं यहीं से ले लेती हूँ। और ये देखिए, ये ट्रैम्पिट है, ट्रैम्पिट के भी मैंने दो कलर लिए हैं, और ये वाला कलर मेरे पास नहीं था, ये हाइब्रिड है। और ये देखो, इस पर फूल भी आए हुए हैं। तो जब मैंने ये लिया था, हालांकि तब इस पर फूल नहीं था, लेकिन अभी 3-4 दिन पहले लिया था, अब इस पर फूल भी आ गए और बड्स बनी हुई थी। तो इसको भी मैंने रिपोर्ट कर दिया है, और तो ये भी मुझे ये 100 रुपये का मिला, तो ये भी खूबसूरत है, ये देखो। और एक ट्रैम्पिट मैंने और भी लिया है, ये देखो, ये दूसरे भैया से लिया था, ये अलग अलग से लिया था, ये अलग फूल वाले से लिया था और ये अलग लिया था। तो ये दोनों ही मुझे उन्होंने 100-100 रुपए के दिए। तो तब मैंने एक लिया था पहले, तो उनसे बोला मैंने 100 रुपए का लिया, फिर तो उन्होंने भी फिर 100 रुपए का दिया ये वाला मुझे। तो ये भी बहुत प्यारा सा कलर है, पिंक कलर और डार्क पिंक है वो, तो ये भी मुझे 100-100 रुपए के पड़े। और मैंने इसको रिपोर्ट कर लिया है, और इसको ये गमले में ही आया था। और ये देखिए, ये इंडोर प्लांट है, ये कर्क कलिगो, तो ये मुझे उन्होंने 40 रुपए का दिया, यहीं से लिया था मैंने। और ये बोगनवेलिया का है, मेरे पास दो तीन कलर के थे, मगर ये वाला कलर नहीं था इस पर, ये शेडेड वाला है, ये दो तीन कलर चेंज करता है, पिंक भी इस पर तब आए हुए थे जब मैंने लिया था, तो अभी तो बट नहीं है इस पर। ये देखो, ये वेरीगेटेड पत्तियाँ हैं इस पर भी, तो इसे तो हम पूरी धूप दे सकते हैं, जितना इसे धूप देंगे
तो ये सन लविंग प्लांट होता है, जितनी धूप देंगे उतने ही ये पत्तियां काम आएगी और फूल ज़्यादा आएंगी। और पानी चाहे एक दिन छोड़ के भी आप इसको दे सकते हो। और ये मुझे उन्होंने दिया 80 रुपये का। और एक ये पाम का मेरे पास नहीं था, और मैं पाम का बहुत दिनों से सोच रही थी, लेकिन मैं कुछ बड़ा सा बूसी सा लेने की सोच रही थी, मगर मैंने जगह के हिसाब से थोड़ा छोटी जगह के हिसाब से छत के हिसाब से ये लिया है। तो ये मुझे उन्होंने 80 रुपये का दिया ये भी। और ये देखिए, ये चमेली का बता रहे थे, लेकिन मैंने सर्च किया तो कुछ और ही निकल रहा है उसमें। अब देखते हैं इस पर कैसा फ्लोवर आता है। तो ये मुझे उन्होंने ये भी मुझे 80 रुपये का पड़ा यहीं पे घर बैठे बैठे। और एक ये मैंने गुलाब का लिया है, ये मैंने कल ही लिया है। तो और ये है रेड गुलाब बताया, ये इन्होंने कुछ अलग तरीके का बताया, लेकिन अभी जब ये फूल खिल जाएंगे तब मैं दिखाऊंगी ये कैसा है। और ये मुझे ठीक ही पड़ा, ये मुझे 100 रुपये का पड़ा। तो उन्होंने ये बताया कि ये दूसरा गुलाब है। और एक ये वाला गुलाब है, ये भी मैंने बाय किया है। तो ये थोड़ा हल्का सा था, मुझे ये लग ही नहीं रहा था, ये कुछ इसमें देखो ये स्टेम कुछ सूखी हुई है, तो इसको मैं निकाल दूंगी, अगर चलेगा तो ठीक है। ये मुझे उन्होंने 50 रुपये का दिया था। लेकिन अगर आप फर्स्ट बिगिनर हो, पहली बार ले रहे हो, तो बिल्कुल भी मत ऐसे प्लांट लेना, क्योंकि जो सूखे हुए से होते हैं हेल्दी, अगर नए बिगिनर हैं तो उनको हेल्दी प्लांट ही लेने में फ़ायदा होता है। और एक ये हिबिस्कस का लिया है मैंने, तो ये कलर तो अभी मुझे पता नहीं कौन सा आएगा, तो उन्होंने रेड ही बताया था। और रेड में कि अलग तरीके का है, ये देखो बड़ है इस तरह की इसकी। तो रेड में तो मेरे पास 3-4 हैं, मगर वो थोड़ा थोड़ा किसी की शेप अलग है, थोड़ा थोड़ा कलर में भी अलग है, ये भी मुझे कुछ अलग हटके लग रहा है। तो ये भी मुझे उन्होंने 100 रुपये का दिया है। और एक मुझे 100 रुपये का ये दिया है, ये तो मुझे हेल्दी लग रहे हैं प्लांट, ये कुछ अलग कलर है, तो इसकी अभी मैंने रिपोर्टिंग नहीं की है। ये देखिए, और इसकी कर दी है, मेरे पास था ये गमला तो मैंने कुछ कर दिए, मेरे काफ़ी सारे गमले खाली भी हो गए थे उस पिटोनिया के, और वो काफ़ी सारे और भी विंटर प्लांट के, तो मैंने इसको इसमें लगा दिया है। और ये देखिए, ये क्रोटोन है, ये लंबी लिप्स वाला नहीं था मेरे पास, तो ये मुझे अच्छा लग रहा था हेल्दी सा, तो ये मैंने इसलिए ले लिया। और ये मुझे उन्होंने 80 रुपये का दिया है। और एक ये गोरी चोरी का है, अभी इस पर फूल तो नहीं है, लेकिन ये भी मुझे उन्होंने ये 50 रुपये का दिया है, तो मैंने ये इसलिए ले लिया है। और ये थोड़ा लंबा, काफ़ी लंबा लग रहा है, इस तरह का प्लांट है, तो ये मुझे सस्ता पड़ा, इसलिए ये मैंने ले लिया है। और एक ये रियो प्लांट में मेरे पास 3 कलर हैं, तो ये वाला नहीं था मेरे पास, तो मैंने इसको भी लिया है। इसको वैसे ही मूसा भी बोलते हैं, इसको कई नाम है इसके, तो ये मुझे 50 रुपये का पड़ा। और एक प्लांट मैंने त्रिवेणी घाट पे, जो हमारे यहाँ नर्सरी है छोटी सी, तो ये वहाँ से मैंने परचेज किया था। तो ये कुछ नाम उन्होंने बताया था, ये इंडिगो करके कुछ, और इस पे बताया था कि एक झालर सा इस पे फूल आता है बड़ा खूबसूरत सा, वो दिखाया भी था उन्होंने मुझे। तो मेरे लिए तो ये नया प्लांट है, तो एक मैंने ये लिया, ये भी मुझे 100 रुपये का दिया उन्होंने। और आपको ये एक प्लांट में ये दिखाते हैं, ये अमरूद का है, और कितनी छोटी छोटी लिप्स है, ये हाइब्रिड है, और ये उन्होंने यहीं से लिया है, ये मैंने तो एक भैया आए थे उन्हीं से लिया है, तो उन्होंने ये मुझे 100 रुपये का दिया है। और इस पे बताया कि इस पे बड़ा बड़ा अमरूद आता है छोटे छोटे प्लांट पे, और ये चीनी अमरूद कुछ बता रहे थे, चीनी मतलब मीठा, काफ़ी मीठा रहता है, ऐसे चीनी अमरूद बता रहे थे इसका नाम। तो एक ये लिया मैंने, इसको रिपोर्ट कर दिया है इसमें। और जितने भी प्लांट मैं खरीदती हूँ, पहले उनको सभी को छायादार जगह में रखती हूँ, और फिर जो धूप देने वाले होते हैं मुझे, जैसे ये हिबिस्कस है, और ये कुछ और प्लांट है जैसे गुलाब है, तो इनको मैं दोपहर तक ही धूप देती हूँ, जैसे मई जून की। और इनको, और बाकी ये जितने भी हैं ये वाले प्लांट, इनको रियो प्लांट है, और ये प्लांट है जैसे ये वाला, तो इंडोर प्लांट जितने, इनको बिल्कुल छायादार जगह में रखना। और मेरे किसी व्यूअर से पूछा था कि आप फर्टिलाइज़र कौन सा डालते हो, तो मैं आपको बता दूं, मैं फर्टिलाइज़र अलग अलग डालती हूँ, जैसे विंटर में मैं उसका मस्टर्ड खली का भी डालती हूँ, जो मस्टर्ड केक आता है, और गर्मियों में ज़्यादातर मैं लीप कंपोज या किचन वेस्ट वाला, वो वाला पसंद करती हूँ। और विंटर में भी मैं किचन वेस्ट और ये वाला डालती हूँ। और ये किचन वेस्ट क्या होता है, ये ठंडी खाद होती,
तो ये हमारे वैसे प्लांट के लिए बहुत अच्छी रहती है। अगर हम इसका इसे गर्मियों में अगर डालते हैं अपने प्लांट में तो ये बहुत अच्छी खाद होती है। और वैसे मैं बाहर का भी लाती हूँ, घर का भी मेरा काफ़ी सारा होता है, और जब घर का मेरे कम पड़ जाता तो मैं बाहर से भी लाती हूँ, नर्सरी वगैरह से भी। गुलाब के लिए भी अलग मिलती है खाद, वो लाती हूँ। और महीने में मैं एक बार या दो ही बार डालती हूँ, मैं 20-25 दिन में एक बार डालती हूँ कोई भी फर्टिलाइज़र। जैसे मेरा ये किचन वेस्ट है, या मेरा ये पत्तिया का लीफ कंपोज है, या काउ डंक है, ये महीने में मैं गुड़ाई करके एक बार या दो बार डाल देती हूँ। जैसी भी प्लांट देखती हूँ, अगर मेरा कमज़ोर है प्लांट तो मैं उसको दो बार देती हूँ, अगर ठीक ठाक चलता है जैसे तो मैं उसको एक ही बार देती हूँ। तो बस यही कंपोज मैं यूज़ करती हूँ गर्मियों की सोयल के लिए। ये पोटी मिक्सचर मैं बता देती हूँ आपको, एक पार्ट सैंड, एक पार्ट गार्डन सोयल, एक पार्ट कोकोपीट, एक पार्ट कोई सा भी हमारे पास कंपोज है, या पत्तियों की जैसे, या किचन वेस्ट, या काउडंग कोई भी है, या तीनों है तो तीनों मिला के डाल दीजिए, या आपके पास अगर फंगीसाइड है तो वो भी डाल दीजिए। फंगीसाइड थोड़ा, जैसे 6 इंच का गमला है तो आधा चम्मच के हिसाब से उसमें डाल दीजिए। अगर नीम खाली है तो 2 मुट्ठी के एक गमले के हिसाब से, 6 इंच का गमला के हिसाब से आप 2 मुट्ठी उसमें नीम खली भी डाल दीजिए। नीम खली क्या करती है, ठंडी भी होती है गर्मियों में, और जो है वो खाद भी बनाती है, और कोई भी जैसे डिजीज लग जाती है, कोई भी बीमारी या कोई कीड़ा या लग जाता है तो वो भी नहीं लगता है, तो इसलिए वो नीम खली ज़रूरी होती है। तो अगर आपके पास कैल्शियम है तो कैल्शियम पाउडर भी डाल दीजिए, वो भी बहुत अच्छा रहता है गर्मियों के लिए, वो ठंडी खाद होती है तो प्लांट के लिए वो भी बहुत अच्छा है। बस ये ही मैं सब डालती हूँ, और इसी का मिक्सचर बना के ये मैं सब लगाने वाली हूँ। अगर आपको मेरे शॉपिंग प्लांट और मेरी ये आज की बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।